इंडिया न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं गोंडा जनपद की तमाम खबरों को। स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ लल्लन सिंह के 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रबंधक रमेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजा देवी भगत सिंह अवधराज सिंह महाविद्यालय डुमरिया डी गोंडा के प्रांगण में अंतर महाविद्यालय नेटबॉल प्रतियोगिता एवं रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे बल्लभाचार्य कुंज के अधिकारी व अयोध्या के प्रसिद्ध संत राजकुमार दास ने पुण्यतिथि पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वीरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ लल्लन सिंह वकील साहब गरीबों की लड़ाई अदालत में लड़ते थे, इसलिए वे हम लोगों के बीच सदैव अमर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमें सौभाग्य से केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय चिंतन वाली सरकार मिली है। सभी का विकास हो रहा है, अब किसी को देश में भय नहीं लगता और ना लगना चाहिए। समाज के और इस विद्यालय के संस्थापक और एक आदर्श जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, वकालत पेशा ना मानकर समाज सेवा के माध्यम से जिन्होंने अपनी ख्याति अर्जित करते हुए और इस विद्यालय की स्थापना की जहां पर हम लोग आज बैठे हुए हैं। अंतर महाविद्यालय क्रिकेट इसका टूर्नामेंट का भी आयोजन हुआ जिसमें हमारे राजा देवी भगत सिंह जी और नंदनी नगर दो विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, इसमें बेटियाँ भी हैं बच्चे भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो है समाज में जीवन जीने का तरीका तो तमाम है, तमाम तरह लोग जीवन जीते हैं, लेकिन जो याद किए जाएँ जिनकी पुण्यतिथि मनाई जाए वो एक सामान्य मनुष्य नहीं वो महापुरुष होते हैं, जिनके स्मृति दिवस पर आज हम लोग इकट्ठा होकर एक खेल प्रतियोगिता आयोजित किया है और उन्हें भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके कृतित्व व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं। और ऐसा हम प्रार्थना करते हैं श्री सीताराम जी से, श्री हनुमान जी से कि पूरे परिवार को भैया रमेश प्रताप सिंह जी, मेरे डॉक्टर पीयूष सिंह जी, पूरे परिवार का पुष्पित फल पवित्र रहे और बाबू जी के बताए हुए स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जी के रास्ते को पूरे जीवन अपनाए रखें और ऐसे ही समाज सेवा शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में अपनी एक जो उनके सोच उनके विचारों को आगे बढ़ाएं और उसकी जीवंतता बनी रहना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। आज जैसे कि ब्लड कैंप भी लगा रक्त दान किया लोगों ने, ऐसे रक्तदाताओं को भी मैं कोटिशः साधुवाद और बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने रक्त को दान करके, रक्तदान महादान है, किसी का प्राण बचेगा उससे और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। माता पिता जन्म देते हैं, जैसा भी हमने सुना बहुत कष्ट का भी विषाद का दिन बता रहे थे, हम तो ये कहेंगे कि विषाद का नहीं, ये हर्ष का दिवस मनाए क्योंकि बाबू जी ने जो करके दिखाया है, जो बताया है, उसे हम जीवन में उतारेंगे, ये संग परिवार उतारेगा और सेवा करेगा तो ये दिवस हर्ष का होगा, ना कि विषाद का होगा। मैं उस बात से सहमत कम हूँ, माता पिता देवतुल्य होते हैं सबके, उपनिषद का द्विम्ब घोष है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और फिर तीसरे नंबर पर आचार्य देवो भव आता है। तो माता पिता एक मनुष्य मात्र नहीं है, वो देवी देवता के स्वरूप में है, भगवान के स्वरूप में है जो जन्म दिए हैं और किसी का प्राण बचाया जाए, किसी को रक्त की जरूरत हो, रक्तदान शिविर हुआ है आज, तो इससे बड़ा और कोई सेवा करनी। और स्वामी विवेकानंद जिसे कोई युवा गया था पूछने लिए कि स्वामी जी भगवान का दर्शन संभव है क्या,
उन्होंने कहा तुम्हें किसी से प्रेम है, कहे कि नहीं, कहे सबसे पहले किसी से प्रेम करो। वो प्रेम जब तुम करोगे और ये लगेगा जो तड़प होगी कि उसके बगैर हम जीवित तो नहीं रह सकते, तो ऐसे ही जब हम भगवान के बगैर जीवित ना रह सके ऐसी स्थिति आए तो उस दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा, स्वामी जी ने बताया था। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि खेलना आता है क्या, उन्होंने कहा नहीं। फुटबॉल वॉलीबॉल कुछ खेल लेते हो, कहा नहीं। कह जाओ पहले खेलो, पहले अपने शरीर को मजबूत करो। तो युवाओं से और हमारी जो बेटियां हैं जो विदुषी परंपरा को निर्वहन करने वाली हैं, वो चाहे खेल जगत में हो, पीवी सिंधु हैं, हमारे सुनीता विलियम्स थी जो अंतरिक्ष में गई बेटी, और भी ऐसे तमाम बेटियां हैं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, सेना में सीमा पर खड़ी होती हैं राइफल लेकर। तो हमें गौरव है कि भारत की जो विदुषी परंपरा और जो आर्ष परंपरा रही दोनों इस विद्यालय से पुष्पित और पल्लवित होकर आगे बढ़ेगा और भारत के नव निर्माण में अपना अहम भूमिका युवा वर्ग निभाने के लिए खड़ा है। ये गौरव का विषय है इस गोंडा जनपद का और इस विद्यालय का, पूरे विद्यालय परिवार को और पूरे क्षेत्र के जनता को हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। क्योंकि बहुत अच्छा गुरु जी आप बोले, ऐसा भी एक कार्यक्रम हो रहा है, कैसा कार्यक्रम है इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं बताया? महाराजा देवीभक्त सिंह और राज महाविद्यालय में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सुरीदीय वीरेंद्र बहादुर सिंह लल्लन सिंह जी जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे, समाज सेवी थे, उनके पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये पुनीत कार्यक्रम है और यह जनपद गोंडा में एक मैसेज देने वाला कार्यक्रम है। इस अवसर पर आज रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है, आज खेल प्रतियोगिता नेट बॉल के प्रतियोगिता की जा रही है, यहाँ पे विद्यालय का ये पूरा परिवार है, यहाँ के जो आयोजक हैं भाई रमेश सिंह जी, उनके छोटे भाई डॉक्टर साहब और ये पूरा विद्यालय परिवार एक ऐसे अवसर पर इतना अच्छा आयोजन कर रहा है जिससे जनपद गोंडा में एक स्वस्थ मैसेज जाने वाला है। आदरणीय स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जी एक ऐसे अधिवक्ता थे जिन्होंने तमाम लोगों को जिनको न्याय नहीं मिल पाता था, उन इधर उधर भटकते थे, उन्हें निःशुल्क न्याय दिलाए और हमारे पूरे देवीपाटन मंडल में उनका एक अपना अलग कृतित्व और व्यक्तित्व था। वो हर पीड़ित परिवार के साथ जुड़े रहते थे, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ऐसे मनीषी का पुण्यतिथि मनाया जाना दुखद विषय नहीं, एक हर्ष का विषय होता है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा आयोजन इस जनपद में अनवरत होते रहना चाहिए एक ऐसे मनीषी के लिए। इस राजा देवीभक्त सिंह और राज सिंह महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह लल्लन सिंह एडवोकेट की आठवीं पुण्यतिथि है, जिसके निमित्त आज ये स्मृति दिवस कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर यहाँ पर अंतर महाविद्यालय नेटबॉल प्रतियोगिता जो कि विश्वविद्यालय द्वारा इस महाविद्यालय को दी गई थी, जिसमें विभिन्न जनपदों से और विभिन्न डिग्री कॉलेज से टीमें आई हुई जो प्रतिभाग कर रही हैं। साथ ही साथ हमने चूंकि कोरोना काल चल रहा था और अभी भी कोविड के नाते ब्लड का बड़ा कमी महसूस हो रहा था, तो हम हर वर्ष इस बार भी हम रक्तदान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुझे आशा है कि हर वर्ष की भांत 50 यूनिट के आसपास की हम ब्लड डोनेशन करा ली जाएगी। थैंक यू।